वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजकुमार सैनी ने राजनाथ सिंह से अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्र जाहिर की है। सैनी के मुताबिक उन्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं। सांसद सैनी ने एक बार फिर से आरक्षण को लेकर हरियाणा में हुए जाट आंदोलन पर सवाल उठाए। इसको लेकर के मैं पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा उनके निशाने पे हूँ, तो इसको लेकर के मैं आज राजनाथ जी से मिला था। सिक्योरिटी की मांग नहीं की, शुरू से जो मेरा पूरा हरियाणा प्रांत के जो हमारे मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी ऐसा महसूस करते हैं कि जब आए दिन जिक्र होता है कि जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इस पर मैंने एप्लीकेशन भेजी थी, अपनी अपील भेजी थी कि मुझे जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और लोग कुछ भी फसाद, शरारती आदमी कुछ भी दंगा फसाद कहीं भीड़ में छुप के कर सकते हैं। अपने हक की बात कहनी है तो रास्ते बहुत थे शांतिप्रिय ढंग से, सड़कों पे कह सकते हैं बैठ के, किसी दफ्तर में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सड़कों को रोक करके इस प्रकार की व्यवस्था जो पैदा हुई है ये एक बहुत ही निंदनीय है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 26 जून को सोनीपत से जींद तक चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां के लोगों को बड़ी सौगात देने की बात कही है। हालांकि रेल मंत्री सोनीपत ना पहुंचकर चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करीब 81.047 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य फरवरी 2016 में समाप्त हो गया, जिस पर करीब 740 करोड़ खर्च आया है। वहीं नए ट्रैक पर रेलवे सुरक्षा कमेटी द्वारा करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन दौड़ाकर ट्रैक पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैसेंजर ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी गई है। सोनीपत गोहाना जींद रेल मार्ग जो हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और लगभग ये 90 किलोमीटर के आसपास है, इससे हमारा पूरा पार्लियामेंट क्षेत्र होता था और लोगों को बड़ा भारी इसका फायदा होगा। इसकी शुरुआत हम 26 तारीख को दो बजे जो इसको कर रहे हैं। सोनीपत में नकली दूध, घी और मावा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री के नाम से कोई सरकारी लाइसेंस भी नहीं बना है। सोनीपत पुलिस ने शहर के शास्त्री कॉलोनी में नकली दूध, घी और मावा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी में सैकड़ों लीटर नकली दूध और अन्य सामान बरामद किए गए। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही फैक्ट्री संचालक फरार हो गया, जिसे हमने डॉक्टर साहब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर जी से मदद लेके यहाँ छापामारी की, तो जो जो आइटम में पनीर और दूध के मिले उनसे चार चार सैंपल लिए डॉक्टर साहब। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला और ना ही कोई कहीं से परमिशन मिली। इसके बाद पुलिस ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया है, साथ ही केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। यहाँ पे हमें दूध मिला है फ्रीजर्स में और कुछ गाड़ी में लोडेड मिल्क था और कुछ घी के पैकेट्स थे और क्रीम थी यहाँ पर और दूसरी जगह पनीर मिला है। ये फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध थी। इस फैक्ट्री के नाम से कोई सरकारी लाइसेंस भी निर्गत नहीं हुआ था। ऐसे में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सामने अब ये पता लगाने की चुनौती है कि आखिर आम लोगों की जिंदगी के और कितने सौदागर शहर में ऐसे मौत के सामान बना रहे हैं। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।